जी, ये बहुत अच्छी पहल है, और क्योंकि किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये बड़ी अजीम बात है कि जो हमारे फनकार हैं, अदीब हैं, कलाकार हैं, क्रिएटिव पीपल हैं, पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, म्यूजिशंस हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको रिकग्निशन मिलनी चाहिए, बिकॉज क्रिएटिव पीपल आर द कॉन्शियस ऑफ अ नेशन। और समाज में, हमारे सोसाइटी में जो भी तब्दीली होती है वो क्रिएटिव पीपल ही करते हैं। अगर वॉल्टेयर या रूसो नहीं होते तो फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं होता। तो सारे नए आइडियाज़ जो हैं और जो समाज को एक अच्छाई की तरफ ले जाते हैं, वो रिमाइंड अस, वी शो अस द मिरर, तो ये बहुत अच्छी पहल है कि इसमें ना केवल स्टैब्लिश्ड ऑथर्स को रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है, बल्कि जो नए ऑथर्स हैं, फर्स्ट टाइम ऑथर्स हैं, उनको भी प्रोत्साहन किया जा रहा है। दे आर ऑल्सो बींग एनकरेज एंड देव ऑल्सो सेट अप अ प्लेटफॉर्म दैट द गुड अटेम्प्ट्स विल बी पब्लिश्ड बाय द फोरम ऑफ लिटरफेस्ट। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस व्हेन सो मेनी थिंग्स आर बींग मर्ज टुगेदर इन अ वेरी सीमलेस वे। ब्लेसिंग्स ही नहीं दिया है, उन्होंने हमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है थ्रू हरियाणा टूरिज्म, जो बहुत बड़ी बात है। जैसे कि मैंने सुबह भी कहा था कि ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं जो कल्चर और लिटरेचर को सपोर्ट करते हैं या प्रोत्साहन देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत कम स्पॉन्सर्स हैं आज हमारे देश में। अगर आप कुछ EDM म्यूज़िक करना चाहते हैं या उससे का, तो आपके लिए बहुत सारे स्पॉन्सर्स खड़े हो जाते हैं, लेकिन लिटो फेस्ट के लिए हरियाणा टूरिज़्म सामने ही नहीं आया, बल्कि उन्होंने पूरा अपना सहयोग दिया और हमारे अंदर अपना फेथ जताया। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सर की, एंड ही इज़ बिन वेरी वेरी काइंड एंड ही केम ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़ एंड ही इज़ ऑल्सो गोइंग बैक टुमारो, बट बॉम्बे में आई थिंक 10 साल के बाद आप आए। एंड आपके बैच के काफ़ी मित्र आपके यहाँ पर हैं, बट आप मिल नहीं पाएंगे उनसे, आई एम श्योर, बट हम लोग इन्हें जल्दी ही वापस बुलाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।